दिस इज श्रिया एंड वेलकम बैक टू माई चैनल। आई होप यू ऑल आर फाइन एंड सेफ। इस बार ना मैंने कुछ डिफरेंट ट्राई किया है अपनी स्किन केयर रूटीन में, एंड जो स्किन केयर रूटीन है ना, मुझे 1 वीक हो चुका है इन सब प्रोडक्ट्स को यूज़ करते हुए। सो उसके बाद ही मैं आपके साथ इसका रिजल्ट शेयर करने वाली हूँ। सो जहाँ तक प्रोडक्ट्स की बात आती है, वो है इस ब्रांड की, ये है ईमेगामार्ट। इसकी मैंने 5 चीज़ें यूज़ की हैं, 5 के 5 स्किन केयर प्रोडक्ट्स थे एंड बहुत ही अमेजिंग रिजल्ट्स थे। ये तो आपने इसकी पैकेजिंग देख ली, अंदर से मैं आपको दिखा दूँ ये प्रोडक्ट्स किस तरह के आए थे। ये देखो, ये इस तरह के पैकेजिंग में थे, मतलब बड़ी सही लगी यार मुझे पैकेजिंग। अगर हम फेस वॉश की बात करें तो फेस वॉश इस तरह की कार्डबोर्ड पैकेजिंग में आया। आप इसकी पैकेजिंग देख लो यार, कितनी प्यारी है, एंड अंदर से ये इस तरह की ट्यूब फॉर्म में है। ये देखो, सबसे पहले मैं आपको बता दूं इस प्रोडक्ट के बारे में, इस फेस वॉश के बारे में, इसकी प्राइस क्या है, इसकी क्वांटिटी क्या है, एंड ये जो प्रोडक्ट है इसकी लाइफ कितनी है। ये जो प्रोडक्ट है इसकी क्वांटिटी है 70 ग्राम्स, इसकी MRP है 250 रुपीज़ विद अ शेल्फ लाइफ ऑफ 3 ईयर्स। दिस प्रोडक्ट इज टोटली पैराबेंस फ्री। एंड अगर हम इसी की बात करें ना, ये फॉर्मिंग फेस वॉश है। इसके अंदर जो फेस वॉश है ये जेल बेस्ड, मतलब ये क्रीम बेस्ड है, सॉरी क्रीम बेस्ड है। अगर आप इस क्रीम को अपने फेस के ऊपर वाटर की हेल्प से जैसे मसाज करते हो ना, तो ये फॉर्म काफ़ी सारी बननी स्टार्ट हो जाती है, इसलिए फॉर्मिंग फेस वॉश है। एंड ये जो है फेस वॉश, ये क्या कुछ चीज़ों में आपकी हेल्प करता है वो अब हम बात शेयर करते हैं। सबसे पहले आपकी स्किन को वाइटन करने में हेल्प करता है, एंड उसके साथ में ये आपकी स्किन में से जितनी भी इम्प्योरिटीज़ होती हैं उन्हें डीपली क्लीन करने में हेल्प करता है। ठीक है, ये तो मैंने इसके बारे में बात बताई। अब मैं आपको बताती हूँ इसकी जो इंग्रेडिएंट्स लिस्ट है उसके बारे में। सो अगर मैं इसके इंग्रेडिएंट्स लिस्ट की बात करूँ तो उसमें सबसे पहले आता है विटामिन ई एंड विटामिन सी। विटामिन ई जो होता है ये आपकी स्किन को रिपेयर करने में हेल्प करता है, आपकी स्किन को हाइड्रेट करने में हेल्प करता है, एंड विटामिन सी जो होता है वो आपकी स्किन को लाइटन एंड ब्राइटन बनाने में बहुत ही हेल्प करता है। उसके बाद जो मेन इंग्रेडिएंट्स है ना इसके, वो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल नियासिनामाइड, सेकेंड इज सैल्सिलिक एसिड। मतलब ये दोनों जो एसिड्स हैं ना, ये आपकी स्किन के लिए इतने हेल्दी होते हैं ना, मतलब जितनी भी आपकी स्किन के ऊपर इम्प्योरिटीज़ होती है ना, लाइक एक्ने एंड ऑल, ये सारी चीज़ों को ना रिड्यूस करने में हेल्प करते हैं नियासिनामाइड भी, एंड उसके साथ में ये जो है सैल्सिलिक एसिड, ये दोनों का सेम ही काम है। मतलब आपकी स्किन में जितने भी एक्ने की प्रॉब्लम होती है या थोड़ी बहुत मतलब रेडनेस की प्रॉब्लम होती है, इन सब चीज़ों को रिड्यूस करने में हेल्प करते हैं। उसके बाद में इसके अंदर आ जाता है ऑलिव ऑयल, एंड उसके बाद आता है ग्लाइकोलिक एसिड। ग्लाइकोलिक एसिड का जो काम है वो होता है कि ये आपकी स्किन के अंदर से जितनी भी डलनेस होती है उसे रिड्यूस करने में हेल्प करता है। आपकी स्किन के ऊपर अगर थोड़ी बहुत हाइपर पिगमेंटेशन हो रही है, उस चीज़ को रिड्यूस करने में हेल्प करता है। एंड उसके साथ में ये जो होता है ग्लाइकोलिक एसिड, ये आपके रिंकल्स एंड फाइन लाइंस को भी रिड्यूस करने में हेल्प करता है। यस, ये बहुत ज़्यादा अच्छा होता है एंटी एजिंग में, ये बहुत ही हेल्पफुल होता है। सो अगर आपकी एज, मतलब अगर आपको लग रहा है कि आपके फेस के ऊपर थोड़े बहुत फाइन लाइंस एंड रिंकल्स आ रहे हैं, आप इसे तो भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको लगता है आपकी स्किन बहुत ज़्यादा ऑयली, आप इसे तो भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आपकी कॉम्बिनेशन है या मतलब आपकी कोई भी स्किन टाइप है ना यार, तो आप इसे ईजिली यूज़ कर सकते हैं। सभी स्किन टाइप वाले लोग ईजिली से यूज़ कर सकते हैं। मैंने इसे यूज़ किया है, मेरी स्किन टाइप है कॉम्बिनेशन, सो कॉम्बिनेशन स्किन के लिए मुझे बहुत ही अमेजिंग लगा। स्किन वाइटनिंग की बात करें तो यस, इसे जब भी आप यूज़ करते हो आपको अपना फेस इतना ज़्यादा ब्राइटन एंड ग्लोई एंड लाइटन सा लगता है ना, बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स लगते हैं मुझे। सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट इसका टेक्सचर कैसा है, इसका कलर, फ्रेग्रेंस, सब लोग सब चीज़ें कैसी हैं। सो अगर मैं इसके टेक्सचर की बात करूँ, जैसे मैंने इसे ये ओपन किया, मैं थोड़ा सा ही यहाँ पे ले रही हूँ, ये देखो ये है प्रॉपर क्रीमी टेक्सचर, वाइट कलर में है, एंड इसके अंदर छोटे छोटे से ना रेड कलर के पार्टिकल्स हैं जिन्हें गॉब्यूल्स कहते हैं, जो कि वाटर सॉल्युबल ही होते हैं। एंड अगर आप लोग ध्यान से देखो ना, तो मैं आपको दिखाती हूँ कहाँ है वो। ये जो पार्टिकल्स हैं एंड ये जो फेस वॉश है, ये आपकी स्किन को लाइटन बनाने में हेल्प करता है। आपकी जो कॉम्प्लेक्शन होती है उसे, जो ओरिजिनल कॉम्प्लेक्शन होता है ना, उसी को लेकर आता है। मतलब आपकी स्किन के ऊपर थोड़ी बहुत भी अगर टैनिंग टोनिंग भी होगी ना, तो वो भी इसके साथ उतनी स्टार्ट हो जाएगी, मतलब काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स दे रहा है। अब अगर हम बात करें इसकी फ्रेग्रेंस के बारे में, तो बहुत ज़्यादा प्यारी फ्रेग्रेंस है, बहुत बहुत ज़्यादा प्यारी है। मतलब यार ये आपके माइंड को प्रॉपर सूदनेस प्रोवाइड करती है, बहुत ही लाइट सी फ्रेग्रेंस है एंड काफ़ी ज़्यादा रिफ्रेशिंग से फील आती है इस प्रोडक्ट को यूज़ करके। सेकंड प्रोडक्ट है हमारा ये है चॉकलेट स्क्रब।
ये जो स्क्रब है इसे आप फेस के ऊपर भी यूज़ कर सकते हो, अपनी पूरी बॉडी के ऊपर भी यूज़ कर सकते हो। एंड ये जो स्क्रब है दिस विल हेल्प इन पॉलिशिंग योर स्किन, ब्राइटन योर स्किन एंड इट विल ऑल्सो हेल्प इन एक्सफोलिएटिंग एंड रिमूविंग ऑल दी डल पार्टिकल्स फ्रॉम योर डेड पार्टिकल्स फ्रॉम योर स्किन। सो अगर मैं इसी की बात करूँ इसकी MRP प्राइस क्वान्टिटी के बारे में, सो इसकी क्वान्टिटी है 100 ml की। एंड इसकी MRP की बात करें तो इसकी वो है MRP 449 rupees की। एंड इसकी शेल्फ लाइफ आती है 2 years की। ये जो है चॉकलेट स्क्रब, मतलब अगर मैं स्क्रबिंग की बात करूँ ना तो हम लोग मतलब वीक में एक बार तो यूज़ करते ही करते हैं। मैंने इसे वीक में ट्वाइस यूज़ किया था, मतलब 3 days के बाद यूज़ किया था एंड काफ़ी अच्छा मुझे लगा। मैंने इसे अपने हैंड के ऊपर भी यूज़ करके देखा, मैंने अपने फेस के ऊपर भी यूज़ करके देखा एंड अच्छे रिजल्ट्स हैं। सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट इट्स इंग्रेडिएंट्स। इंग्रेडिएंट्स की अगर बात करें तो इंग्रेडिएंट्स में सबसे पहले आता है इसके अंदर वॉलनट शेल पार्टिकल्स। यस, वॉलनट शेल पार्टिकल्स ही मोस्टली प्रेफर सब लोग करते हैं कि आपके जितने भी स्क्रबर्स होते हैं ना उनके अंदर हो अवेलेबल, क्योंकि वॉलनट जो होता है ना उसके जो शेल के पार्टिकल्स होते हैं वो बहुत ही अच्छे से एक्सफोलिएशन प्रोवाइड करते हैं एंड सबकी स्किन टाइप के लिए सूटेबल भी होते हैं। नेक्स्ट इसके अंदर आ जाता है ग्लिसरीन। यस, ग्लिसरीन आपकी स्किन को प्रॉपरली मॉइस्चराइज भी करता है। एंड इसके अंदर है कोकोआ पाउडर। कोकोआ जो होता है ना ये आपकी स्किन को मतलब एंटी एजिंग का काम करता है कोकोआ जो होता है। अगर आपके फेस के ऊपर या आपकी बॉडी के ऊपर थोड़ी बहुत रिंकल्स आने स्टार्ट हो गए हैं या थोड़ी आपको लाइन्स दिखाई दे रही हैं, फाइन लाइन्स जिन्हें हम कहते हैं, तो उन्हें रिड्यूस करने में जो हेल्प करती है ना चीज़ वो होती है कोकोआ। यस, कोकोआ हेल्प्स इन रिड्यूसिंग ऑल दोज फाइन लाइन्स एंड रिंकल्स फ्रॉम योर बॉडी फ्रॉम योर फेस। सो नेक्स्ट चीज़ आती है इसके अंदर टी। टी जो है इसके अंदर एंटी बैक्टीरियल एंटी ऑक्सीडेंट्स बहुत ज़्यादा अवेलेबल होते हैं, एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टी होती है एंड ये जो है आपके मतलब जितने भी एक्ने की प्रॉब्लम वगैरह हो इन चीज़ों को रिड्यूस करने में हेल्प करती है। उसके बाद में इसके अंदर है सिट्रिक एसिड। सिट्रिक एसिड जो होता है ना वो आपके स्किन को लाइटन एंड ब्राइटन बनाने में हेल्प करता है। सो अगर मैं इसी की बात करूँ ना इसकी प्रॉपर्टीज़ कौन कौन सी हैं, मतलब जो जो मैंने आपके साथ कुछ जो मेन इन्ग्रीडियंट्स के लिए शेयर किए ना उनके बारे में बात करते हैं। ये जो चीज़ें हैं ना इनके अंदर जो प्रॉपर्टीज़ हैं सबसे पहले आ जाती है एंटी इन्फ्लामेटरी प्रॉपर्टी, नेक्स्ट इज एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टी, एंटी ऑक्सीडेंट्स हैं इसके अंदर, उसके बाद आ जाते हैं एंटी एक्ने, देन लास्ट इज एंटी एजिंग। मतलब इतनी सारी प्रॉपर्टीज होने की वजह से ये बहुत मुझे अच्छा लगा। एंड नाउ लेट्स टॉक अबाउट ये जो प्रोडक्ट है इसकी मतलब क्या इसका टेक्सचर है या इसकी फ्रेग्रेंस किस तरह की, वो सब बात करते हैं। इसकी फ्रेग्रेंस मतलब कोकोआ जैसा होता है ना, थोड़ी सी वैसी आ रही, बहुत स्ट्रांग नहीं है, थोड़ी सी सिमिलर है फेस वॉश से एंड थोड़ी सी कोकोआ की आ रही, दोनों का मिक्स आ रहा है आई थिंक। एंड इसका कलर मैं आपको दिखा दूं यहाँ, ये देखो। एंड इसके पार्टिकल्स की जैसे मैं बात कर रही हूँ ना, बहुत ही हल्के हल्के से पार्टिकल्स हैं, बहुत ही छोटा सा, मतलब इतने हार्श आपको इफेक्ट नहीं देगा अगर आप इसे ध्यान से इस तरह से अगर आप जोर से भी थोड़ा बहुत करोगे ना तो आपकी स्किन को बिल्कुल भी हार्श इफेक्ट नहीं है छोड़ने वाला, काफ़ी माइल्ड से पार्टिकल्स हैं इसके, पर ये प्रॉपर एक्सफोलिएशन प्रोवाइड करते हैं आपकी स्किन के ऊपर एंड काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स देते हैं। नाउ लेट्स टॉक अबाउट बेनिफिट्स ऑफ यूजिंग दिस स्क्रब। फर्स्ट ऑफ ऑल इसका जो बेनिफिट है वो है ये कि आपकी स्किन को प्रॉपरली एक्सफोलिएट प्रोवाइड कर, एक्सफोलिएशन इतनी अच्छी देगा ना कि उसके ऊपर से जितनी डेड स्किन सेल्स होंगे सारे के सारे इजीली रिमूव हो जाएंगे। नेक्स्ट इसके जो बेनिफिट है वो है ये कि आपकी स्किन को पॉलिश कर देता है। थर्ड इसका आ जाता है कि आपकी स्किन के ऊपर से जितनी भी टैनिंग होती है ना उसे रिमूव करने में हेल्प कर। सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट थर्ड प्रोडक्ट। थर्ड वन इज जेल। ये मॉइस्चराइजिंग जेल है एंड दिस इज हाइलुरोनिक एसिड जेल। इसके अंदर जस्ट 1% क्वांटिटी में है हाइलुरोनिक एसिड। मैं आपको पूरी बात बताऊंगी हाइलुरोनिक एसिड क्या होता है, उसकी क्या ज़रूरत होती है आपकी स्किन में, सब कुछ बताती हूँ। पर सबसे पहले आपको दिखा दूँ ये इस तरह की कार्डबोर्ड पैकेजिंग में है एंड अंदर से ये इस तरह की ट्यूब फॉर्म में है एंड इसकी क्वान्टिटी है 30 grams की। इसकी MRP है 250 rupees विद अ शेल्फ लाइफ ऑफ 3 years। दिस प्रोडक्ट इज टोटली नॉन स्टिकी, नॉन ऑयली, नॉन कॉमेडोजेनिक प्रोडक्ट। नॉन कॉमेडोजेनिक का मतलब होता है जो आपके पोर्स होते हैं उन्हें भरे ना कितनी गंदगी से, मतलब
क्लॉग ना करे। मतलब जैसे कि आप लोगों को पता होता है हमारे ओपन पोर्स जो होते हैं नॉर्मली इस जगह में होती हैं या इस जगह में होते हैं, इन एरियाज में होते हैं, तो उनके ऊपर काफ़ी ज़्यादा वाइट हेड सेल्स, वाइट हेड्स या फिर ब्लैक हेड्स आ जाते हैं, तो उन्हें रिड्यूस करने में हेल्प करता है, वो भरने नहीं देता, आपके फेस के ऊपर गंदगी नहीं आने देता। सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट हाइलुरोनिक एसिड। हाइलुरोनिक एसिड की क्यों ज़रूरत होती है हमारी स्किन केयर रूटीन में? सबसे पहले मैं बता दूं, ये कोई हार्मफुल केमिकल नहीं है, जिस इसका नेम है हाइलुरोनिक एसिड, ये ऑलरेडी आपकी स्किन के अंदर अवेलेबल होता है, आपकी बॉडी के अंदर बनता जाता है। बट जैसे ही आपकी एज थोड़ी ज़्यादा होनी स्टार्ट हो जाती है, उस टाइम पे इसकी जो मतलब जिस तरह से ये बन रहा होता है, थोड़ी क्वांटिटी कम होनी स्टार्ट हो जाती है आपकी स्किन में, तो उसी वजह से आपकी स्किन के ऊपर फाइन लाइन्स या रिंकल्स आने स्टार्ट हो जाते हैं। सो ये क्या कर क्या काम करता है, ये वो जो आपके फाइन लाइन्स या रिंकल्स आते हैं ना, उन्हें रिड्यूस करने में हेल्प करता है, आपकी स्किन को प्रॉपरली रिपेयर करने में हेल्प कर देता है। सो इसलिए बहुत ही हेल्दी इन्ग्रीडियंट है आपकी स्किन केयर रूटीन के लिए, ठीक है। अब मैं इसके बाकी सारे इंग्रेडिएंट्स के बारे में बात कर रही हूँ। सबसे पहले तो मैंने बता दिया हाइलुरोनिक एसिड इसके अंदर है 1% क्वांटिटी में। उसके बाद नेक्स्ट इंग्रेडिएंट की अगर हम बात करें तो वो है एक्वा जेल एंड ग्लिसरीन। ग्लिसरीन भी आप लोगों को पता है हमारी स्किन को प्रॉपरली मॉइस्चराइज करने में हेल्प करता है। एंड उसके बाद में इसके अंदर आ जाता है सोडियम बेंजोएट। सोडियम बेंजोएट जो होता है ये एंटी फंगल प्रॉपर्टीज होती हैं इसके अंदर, एंड ये आपकी स्किन के अंदर कोई भी रेडनेस नहीं आने देता। अगर आपकी स्किन के ऊपर थोड़ी बहुत इचीनेस हो रही है उसे रिड्यूस करने में हेल्प करता है। अगर आपके पिंपल्स या एक्ने की प्रॉब्लम हो रही है उन्हें भी रिड्यूस करने में हेल्प करता है। सो मतलब ये भी सभी स्किन टाइप वाले लोग इजिली यूज़ कर सकते हैं, स्पेशली जिन लोगों के एक्ने प्रॉन स्किन है ना, वो तो मतलब ये सारी चीज़ें इजिली यूज़ कर ही सकते हैं। अगर आपको कोई और नहीं सूट कर रहा ना स्किन केयर, तो आपको ये तो ज़रूर सूट कर ही जाएगा। सो अगर अब मैं बात करूँ कि इस जेल के बारे में ये आपको क्या कुछ बेनिफिट्स प्रोवाइड करती है, फर्स्ट बेनिफिट इसका यही है कि आपकी स्किन को प्रॉपरली मॉइस्चराइज करने में हेल्प करती है, आपकी स्किन को प्रॉपरली हाइड्रेशन प्रोवाइड करती है। नेक्स्ट इसके अंदर यह आ जाता है कि आपकी जितने भी फाइन लाइन्स या रिंकल्स होते हैं उन्हें रिड्यूस करने में हेल्प करती है। एंड उसके बाद में ये आपके जो स्किन का टेक्सचर होता है ना उसे भी रिपेयर करना स्टार्ट कर देती है, एंड आपकी स्किन को बेबी सॉफ्ट एंड प्लम्प जैसी बना देती है। अगर आप इसे नाइट टाइम में लगाकर सोते हो ना इस जेल को, तो मॉर्निंग में आप जब उठोगे ना तब आपको अपनी स्किन इतनी ज़्यादा सॉफ्ट एंड प्लम्प लगती है ना, मतलब बहुत ही सॉफ्ट बेबी सॉफ्ट स्किन आपको लगती है। सो इसे आप अगर दिन में दो बार लगाते हो तो आपकी स्किन बहुत ही हेल्दी हो जाती है। सो ये थे इसके बेनिफिट्स। एंड अब मैं अगर बात करती हूँ इसके टेक्सचर के बारे में या इसकी फ्रेग्रेंस के बारे में, तो वो मैं आपको दिखा दूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल इसका टेक्सचर दिखाते हैं। जैसे कि मैंने बताया ये जेल है, तो अब ये देखो, ये जैसे मैंने इसे फिंगर के ऊपर लिया, ये जेल है बिल्कुल ट्रांसपेरेंट कलर में, एंड इसकी फ्रेग्रेंस नहीं है कोई भी, मुझे तो नहीं लग रही इसकी कोई भी फ्रेग्रेंस। एंड ये देखो बिल्कुल ट्रांसपेरेंट में है, क्वाइट रनी है, क्योंकि जेल जिस तरह की होती है उसी तरह का ये टेक्सचर इसका। बट मतलब ये इतनी सी ही क्वांटिटी आपके पूरे फेस के लिए इनफ है आपकी स्किन को मॉइस्चराइज करने के लिए। सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट फोर्थ प्रोडक्ट। फोर्थ प्रोडक्ट इज अ सनस्क्रीन, एंड वो है ये है जी ब्लॉक जिंक ऑक्साइड सनस्क्रीन जेल विद यूवीबी एस पी एफ 50+ PA++ ब्रॉड स्पेक्ट्रम UVA रेज से बचाता है ये। मतलब सनस्क्रीन जो है ना बहुत ही इफेक्टिव है, बिकॉज इसके अंदर 50+ SPF है। एंड इसके बारे में भी मैं आपके साथ पूरी बात शेयर करती हूँ, इसके बेनिफिट्स एंड ऑल। सबसे पहले मैं बताऊँगी इसकी MRP क्वांटिटी एंड प्राइस। इसकी MRP की अगर हम बात करें तो वो है ₹699, एंड इसकी क्वांटिटी है 50 ml की विद अ शेल्फ लाइफ ऑफ 3 years। एंड इसकी अगर मैं अंदर से दिखाऊं तो अंदर से ये इस तरह की ट्यूब फॉर्म में आता है, ये आप देख लो इसकी ट्यूब फॉर्म है। दिस प्रोडक्ट कंटेन्स नो केमिकल्स, ऊपर स्पेशली इतना बड़ा बड़ा लिखा हुआ है, इसके अंदर कोई हार्मफुल केमिकल्स वगैरह नहीं है। एंड ये जो प्रोडक्ट है टोटली डर्मेटोलॉजिकली टेस्टेड प्रोडक्ट है, वाटर रेजिस्टेंट है एंड पैराबेंस फ्री। जहाँ तक बात आती है इंग्रेडिएंट्स की, सबसे पहले ही मैंने आपको बात ही इसकी यही की थी, जिंक ऑक्साइड। यस, इसके अंदर जिंक ऑक्साइड है। जिंक ऑक्साइड जो होता है ये सनस्क्रीन का ही काम करता है, एंड ये इसके अंदर 25% क्वांटिटी में है। ये आपको बहुत ही इफेक्टिव वाली
मतलब प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेगा हार्मफुल रेज से सन की. नाउ लेट्स टॉक अबाउट दिस पर्टिकुलर सनस्क्रीन. अगर मैं सनस्क्रीन की बात करूँ, ये नॉन कॉमेडोजेनिक प्रोडक्ट है, ये आपके जो पोर्स है उन्हें क्लॉग नहीं करेगी. उसके अलावा इसके अंदर कोई हार्मफुल केमिकल्स का यूज़ नहीं किया गया, नो पैराबेंस, नो हार्मफुल प्रिजर्वेटिव्स. उसके साथ में ये जो प्रोडक्ट है ये आपकी स्किन के ऊपर कोई वाइट पैचेस नहीं छोड़ने वाली, बहुत ही ईजिली आपकी स्किन के अंदर एब्जॉर्ब हो जाएगी, ब्लेंड कर पाओगे आप इसे ईजिली अपनी स्किन के अंदर. मतलब कोई ऐसे आपको जैसे वो धब्बे धब्बे जिसे हम कहते हैं ना कि काफ़ी बार सनस्क्रीन लगा ली यार उसके वाइट रेड धब्बे दिखाई दे रहे, वाइट पैचेस आपकी स्किन पर दिखाई दे रहे, वैसा कुछ भी नहीं दिखाई देगा. इन्हें बहुत ही वेलवेटी से इसका टेक्सचर है. एंड ये जो प्रोडक्ट है टोटली क्रुएल्टी फ्री प्रोडक्ट है, इसकी मतलब कोई भी एनिमल्स के ऊपर इसकी टेस्टिंग नहीं की गई. ठीक है, ये तो मैंने इसके बारे में बात की. अब मैं आपको दिखाती हूँ इसका टेक्सचर अंदर से किस तरह का है. इसकी अगर फ्रेग्रेंस की बात करें ना, बहुत ही हल्की सी फ्रेग्रेंस है इसकी फ्रेग्रेंस, पर काफ़ी हल्की है. एंड अगर मैं इसका आपको टेक्सचर दिखा देती हूँ, ये देखो थोड़ी सी ले रही हूँ, ये वाइट कलर में है टेक्सचर इसका, क्रीम बेस्ड टेक्सचर है. बट अगर आप इसे इस तरह से थोड़ी सी भी लगाते हो, बहुत ही वेलवेटी सा टेक्स्ट, मतलब सॉफ्ट सा, बेबी सॉफ्ट सी फीलिंग आती है. और ये देखो कितनी ईजिली मेरी स्किन के अंदर एब्जॉर्ब हो गई एंड कोई पैचेज वगैरह नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है. बहुत ही सॉफ्ट सॉफ्ट लग रही है मुझे अपने हैंड्स इसे यूज़ करने. सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट लास्ट प्रोडक्ट. लास्ट वन इज दिस इज अ लिप बम एंड इट्स नेम इज लिप्स लिप मॉइस्चराइजर विथ SPF 15. ये इस तरह की पैकेजिंग में है एंड अंदर से ये इस तरह की ट्यूब फॉर्म में आता है. अब हम इसके बारे में बात करते हैं कि इसकी प्राइस क्वान्टिटी वगैरह क्या है. सो इसकी प्राइस है 99 रुपीज़ एंड इसकी शेल्फ लाइफ आती है 3 ईयर्स की एंड इसकी क्वान्टिटी है 9 ग्राम्स की. एंड अगर मैं इसी प्रोडक्ट की बात करूँ तो ये है टोटली पैराबेंस फ्री प्रोडक्ट. एंड इसकी अगर मैं बात करूँ, आपको पता ही होगा यार जो लिप बाम्स होते हैं वो क्या क्या चीज़ों में हेल्प करते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल वो आपके जो लिप्स होते हैं एंड उन्हें हाइड्रेशन प्रोवाइड करने में हेल्प करते हैं. अगर आपके थोड़े बहुत भी चैप्ड लिप्स हैं या ऊपर थोड़े बहुत भी कटे फटे हैं, जिसे हम कहते हैं चैप्ड लिप्स को, ड्राई लिप्स हैं, तो उसे भी हील करने में हेल्प करते हैं. एंड उसके साथ में इसके अंदर SPF है, तो ये सन की हार्मफुल रेज से भी आपको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करें. एंड अब मैं आपको दिखाती हूँ इसके अंदर से टेक्सचर किस तरह का है. सो ये बिल्कुल इसी तरह से लगी हुई कि आप इसे डायरेक्टली अपने लिप्स के ऊपर अप्लाई कर लो. सो ये बिल्कुल है ट्रांसपेरेंट कलर में, दिख रही है आपको, थोड़ी सी लेके दिखाई है मैंने, ये ट्रांसपेरेंट है. इसकी फ्रेग्रेंस बहुत ही प्यारी है. सो ये था मेरा पूरा रिव्यू इन स्किन केयर प्रोडक्ट्स के बारे में. अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को जरूर लाइक कीजिए, इसे शेयर कीजिए एंड नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना आपके वीडियो कैसी लगी है. एंड जो लोग फर्स्ट टाइम मेरे चैनल को देख रहे हैं वो लोग जरूर इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, इसके साइड पे जो बेल आइकन है उसे प्रेस कर लें ताकि उन्हें मेरी हर वीडियो के रिगार्डिंग नोटिफिकेशन ईजिली आता रहे. एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग. बाय बाय.